मैं आपको ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हरे कृष्णा, तो अभी टाइम हो रहा है 2:50, यानी 3:15 तक मैं थोड़ी देर और सो सकता हूँ, क्योंकि तब तक नंदरानी तैयार होगी। मेरे पास टाइम है और फिर मैं तैयार होऊंगा। नंदरानी को टाइम में तैयार होने लगते हैं 40 मिनट्स, मुझे तैयार होने लगते हैं 5 मिनट्स। गुड नाइट। फाइनली मेरे को होश आया, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और नंदरानी कब तक आ रही है? हेलो, नंदरानी का दूसरा घर है, उसका रेस्ट रूम, वहाँ पर वो आराम से तैयार होती है और मैं बाहर वेट करता रहता हूँ। आज मैं आपको जितना ज़्यादा हो सके दिखाऊंगा कि हमारी रूटीन कैसे, वैसे तो इम्पॉसिबल है कि सब कुछ दिखा पाऊँ, काम बड़े सारे होते हैं। और बीच में एक ऐसा काम होता है जो मैं आपके लिए सरप्राइज रखता हूँ, जब मैं भजन बनाता हूँ, तो जो मैं भजन बना रहा हूँगा वो मैं आपको ज़रूर बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो मैं सरप्राइज रखना चाहता हूँ। अभी हम जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए। हरे कृष्णा। ये देखो मैं हो गया हूँ तैयार। हरे कृष्णा कर दो। हरे कृष्णा। कितनी देर लगेगी आपको तैयार होने में? 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे? बोलेगी नहीं? हरे कृष्णा। नीलेश प्रभु जी, वैसे आप दिखाई नहीं दे रहे, टेंशन मत लो, आप शर्माना कंटिन्यू कर सकते हो। लाइट जलती इसकी, थोड़ी लाइट जलाना। सो धन्यवाद नीलेश जी का, इन्होंने फ्लैश लाइट ऑन करी, मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। ये नीलेश है, जो ये फ्लैश लाइट है, ये सोल है, सोल। अब हम सिर्फ नंदरानी का वेट कर रहे हैं। 3 मिनट के अंदर अगर नंदरानी आ गई तो ठीक है, वरना वो घर पर ही परिक्रमा करेगी, ऐसा हमने रूल बनाया है। मुबारक हो सभी को, नंदरानी 3 मिनट से पहले ही पहुँच गई है। वेरी गुड है। तो हम चल पड़े हैं परिक्रमा की ओर, परिक्रमा मार्ग पे जाएंगे। अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, काम चला लो बस मेरी आवाज़। आए, अब दिखाई दे गया, मैं आपको दर्शन कर लीजिए परिक्रमा मार्ग के। अभी परिक्रमा शुरू कर दूंगा तो शायद मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना पाऊंगा। फेमस इस्कॉन मंदिर वाला चौक, वैसे आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ से कर रहे हैं परिक्रमा शुरू। और उस तरफ है इस्कॉन मंदिर, चलो श्री वृंदावन धाम की। वो देखो उस तरफ है इस्कॉन मंदिर, और अभी हम जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग पे। आइए, सब चीज़ें देख के आपको बड़ी गुदगुदी होती होगी ना कि हम भी यहाँ पर आते हैं और हमें भी ये सब देखने को मिलता है। जय हो वृंदावन धाम की, जय। तो चलिए शुरू करते हैं परिक्रमा, स्टार्ट द चैंटिंग। चैंटिंग के वक्त नो बातें, नो फोन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्री श्री यमुना मैया की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय। हम यमुना जी पे पहुंच गए, यमुना मैया के दर्शन कर लीजिए। जय श्री यमुने। चलिए प्रोक्षण करते हैं। व्लॉग में हमेशा के लिए कैद होगा ये प्रोक्षण। हरि बोल, जय जय श्री यमुने, हरि बोल। हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन ना कोई जग में, बाण दया की तनक धरो, बाण दया की तनक धरो, बाण दया की तनक धरो, राधे किशोरी श्यामा लाडली दया करो।
हरी दीनन पैशामा सदा हरी दीनन पैशामा यह विश्वास जो मन ही खरो हमारी परिक्रमा ऑलमोस्ट होने वाली है और हमारी चैंटिंग मॉर्निंग की हो चुकी है। बहुत सारे काम रहते हैं तो सबसे पहला भाव जो काम करते हैं चलते चलते वो है भगवत गीता रीडिंग। एक बहुत अच्छी ऐप है गीता बेस और इसमें शिला प्रभुपाद की जो कमेंट्री है भगवत गीता पे वो इसमें दी हुई है और भी बहुत सारे वर्सेज और बहुत सारे रेफरेंसेज हैं तो ईजी हो जाता है चलते चलते पढ़ना। अभी मैं थर्ड चैप्टर पे हूँ, कर्मों के बारे में बताया गया और यज्ञ की इम्पोर्टेंस बताई है। ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि चार पाँच दिन के बाद हम यज्ञ करने वाले हैं, हमारा पहला माधवास फाउंडेशन का यज्ञ, सर्व विघ्न विनाशक यज्ञ, जिसमें आप सब भी पार्ट ले रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता ही है यज्ञ से प्योरिफिकेशन होती है और जब हमारी प्योरिफिकेशन होती है तो हमको भक्ति पथ पे जाना आसान हो जाता है। तो यज्ञ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हमें नहीं मालूम पर इसका मतलब ये नहीं उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। सो ना मालूम होते हुए भी अगर आपको यज्ञ में बैठने का मौका मिल रहा है या यज्ञ में फायर सेक्रीफाइस में आहुति देने का मौका मिल रहा है तो वो मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज उससे आपकी प्योरिफिकेशन 100% होगी और आपको भक्ति पथ में जाने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। सो हम कर रहे हैं 1 सितंबर को यज्ञ। तो हो गई है चैंटिंग पूरी, भगवद गीता की रीडिंग पूरी और होने वाली है हमारी परिक्रमा पूरी। माधवास फाउंडेशन के ऑफिस के पास पहुंच रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं यहां से पास से। ये आनंद वाटिका है, आनंद वाटिका परिक्रमा मार्ग पर पड़ता है और ये रहा हमारा माधवास फाउंडेशन का ऑफिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया चैंटिंग पूरी हो जाए सुबह तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद थोड़ी सी रीडिंग हो जाए तो और भी अच्छी बात है, उसके बाद परिक्रमा पूरी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए सुबह सुबह हम यहाँ से ही निकले थे अंधेरे में और अब हो गया है उजाला। देखिए छोटे छोटे जो न्यू लीव्स होते हैं ना, दीन बंधु प्रभु जी बताते हैं कि जो लीव्स है ना इनकी जो स्मूथनेस है ना उससे भी ज्यादा स्मूथ होती है हमारी प्यारी से लाला कृष्णा की फिंगर्स। सो फाइनली परिक्रमा हो गई है पूरी भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा के बिना परिक्रमा कभी नहीं हो सकती हमारी, तो हम उनका आशीर्वाद लेते हैं शुरू करने से पहले और बाद में। दया करो राधे दया करो राधे। चले फुटेज खामखा वेस्ट, ये ब्लॉग में आएगी नहीं। हरिचरण, ओ हरी हरी, चलो बेटा उठ जल्दी, उठ जाओ, शाबाश। तो हमारी सेवा शुरू होती है बच्चों को संभालने की और ये हमारा हरिया है, इसका स्कूल जाने का समय हो गया। चलो बेटा उठो जल्दी से, पानी पियो फटाफट उठ के, शाबाश। बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखानी चाहती है वो ये है कि जब आप बेड से उठो तो कोई सुस्ती नहीं मारनी, फिर उसके बाद फटाफट से बेड से हटना है और पानी पीना है। हाँ यहाँ प्रसादम की तैयारी हो रही है, चलो हरी बेडिंग करो अपनी, उठाओ उसको, शाबाश। उठते ही सबसे पहले आपको अपना बेड क्लियर करना चाहिए। बच्चों को अगर हम शुरू से ट्रेनिंग देंगे वो चीज़ की तो उसको वो ज़रूर सीखेंगे। ये बेचारे की चादर बहुत बड़ी है तो ये किसी तरीके से यहाँ बिछा के नीचे सेट करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। शाबाश हरिचरण। ये है हमारा घर कम केटरिंग हाउस जो कि अभी अभी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो चुका है किसी और जगह, तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कहीं और है। हम जब तक पहुँचेंगे वहाँ तब तक। हरी बोल कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं कहाँ पर? दूध सेवा के लिए। हरी बोल, चलो बैठो पीछे। और ये क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बिस्किट। भाव आप इतने बिस्किट खाते हो? हाँ इधर तो भी खा लेता हूँ, एक बार ही में खा लेता हूँ। और हरी आप भी? हाँ जी वो भी खा लेता है। चलो आपको ले चलते हैं अभी दूध सेवा में जो कि हमारी फेवरेट सेवा है मॉर्निंग वाली। चलो लेट्स गो। श्री वृंदावन धाम की जय। चलो बुलावा आया है कन्हैया ने बुलाया है, और राधे राधे। चलो बुलावा आया है कन्हैया ने बुलाया है, रावण की कुंज गलिन का सपना मुझे क्या खूब आया है। आज देखते हैं वहां पर कौन आएगा।
रोज कोई ना कोई नए नए डिवोटी जाते, कल पंजाब से डिवोटी जाते, क्या भंगड़ा पाया था उन्होंने। देखे बाके बिहारी अपने भक्तों के आने का, और रस्ता देखे श्याम सुंदर जी अपने भक्तों के आने का। हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे। मेनी डिफरेंट फैमिली। सोनीपत से आपके कहाँ से? मिलने के लिए आए हैं। रुद्रपुर से हैं। तो ये देखिए जो पीछे स्पीकर्स लगे हैं, ये वही स्पीकर है जो नए आए हैं। क्या स्कूल नहीं है, का प्लान था। लेकिन अभी अभी पोपट हो गया है, हमारी लाइट चली गई है। नो लाइट। तो अभी कुछ लोग ने बोला था हम स्पीकर की सेवा नहीं कर पाए, और कोई सेवा भी तो बताना। तो अब हम इन्वर्टर लगवाएंगे यहाँ पर। इन्वर्टर होगा तो स्पीकर चलेंगे, स्पीकर चलेगा तो कीर्तन होगा। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इन्वर्टर के लिए, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस पर कॉन्टेक्ट करने का बिंदास। ये छोटा हो रहा है। अ चांस टू डू सम सेवा इन ब्रजधाम। आई एम सुमित रंजन फ्रॉम नोएडा। फ्रॉम नोएडा। देखिए यहाँ बहुत सारे भक्त लोग आए हैं, अभी ये सभी से सेवा करवाएंगे। नंद रानी ने पूरी टोली बना ली अपनी यहाँ पर अलग से। गैंग सेवा वाला गैंग। लो जी, नंद रानी के पिताजी और भ्राता श्री भी आ गए। ओ यस, इनकी इससे डमरू से मुझे याद आया, इन्होंने हमारे साथ परिक्रमा की थी। हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, राधा रानी की जय, बिहारी जी की जय। तो जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है, दूध हमारे बीच पहुंच गया, प्रसादम भोग लग के, और अब हमारा यहाँ प्रसादम वितरण शुरू हो जाएगा। हरे हरे। चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। अगर आप भी स्वयं सेवा करना चाहते हैं, और जब भी आप वृंदावन में आए, सुबह 7:15 हमारी यहाँ सेवा होती है, आप सभी इनवाइटेड हैं। कोई पैसा नहीं देना आपको। माधवास फाउंडेशन का ऑफिस है आनंद वाटिका, परिक्रमा मार्ग पे। 7:15 आइए और अपने हाथों से साधु संतों की सेवा कीजिए, इसका बहुत पुण्य मिलता है, बहुत प्योरिफिकेशन होती है। आज बहुत सारे भक्त लोग आए हैं। अरे वेदों और कुरानों में लिखा ये सिद्धांत है, वृंदावन में दान करते माधव वास है, वृंदावन में दान करते माधव वास है। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब लोग मिलके करते हैं। हमारे अंदर जरा भी काबिलियत नहीं है, सब चीज़ योग्यता नहीं है। तो बोलते हैं कि बॉटल के अंदर अगर कोई चला के बाहर नहीं निकल पाता ना, तो वैसे आप अंदर जा चुके हैं उनके दिल में। अभी भगवान आपकी जिंदगी में आएंगे, और हम प्रार्थना करते हैं आप वृंदावन जल्द से जल्द आते रहें, दर्शन पाते रहें, यहीं रह जाएं। कि जहाँ जब भी कोई आता है तो हंसते हंसते आता है, और यहाँ से रोते रोते जाता है, क्योंकि बहुत बाद में जाके मिस करते हैं इसको। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा हंसते हंसते रहें। थोड़ा नृत्य करो माता जी, नृत्य करो दीदी, थोड़ा नृत्य करो फोटो में, नृत्य नृत्य। हाँ हल्का। तो फाइनली दूध की सेवा हो गई है पूरी। ये वो समय है जहाँ से थोड़ी थोड़ी हमारी जो है एनर्जी है खुश होनी शुरू होती है। हमारी ऑडियंस को सब पता चलना चाहिए। अच्छा, जूस पीने जाना अभी? बच्चों का स्कूल तो नहीं आज? ओह, आई एम नॉट श्योर, मुझे पूछना है। जल्दी पूछ, अगर बच्चों का स्कूल है तो हम जूस पीने नहीं जा पाएंगे। नहीं, बच्चों का स्कूल इसलिए कैंसिल हो रहा है क्योंकि उनका शूट है। हाँ शूट है, वही मेरे को पता है। तो अभी पता चल गया है कि बच्चों का स्कूल है, पर अब ज्यादा भागम भाग होगी क्योंकि हमें लगा था कि बच्चों का स्कूल नहीं होगा क्योंकि आज शूट है, लेकिन लक्ष्मी ने बताया कि वो बच्चों का शूट मैनेज कर सकती है जब वो स्कूल से बाहर, स्कूल के बाद आएंगे। हम घर पहुंचने वाले हैं, और हमने और जोर जोर से भागना, और अभी और भागम भाग तेज हो जाएगी क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए भेजना मतलब सबसे बड़ी सेवा। अरे बाहर आ जाओ जल्दी से, तो ब्रेकफास्ट जल्दबाजी में हो गया, 5 मिनट का निकलेंगे बच्चों को लेकर स्कूल के लिए। हरी चेलना, बहुत स्वीट लग रहे हो, आपकी भाई वेट कर रहा बाहर। नरसिंह देव भगवान की।
रत्न मंदे जल काला बंसी बजावे देखो श्याम वाला। ये देखिए तैयारी चल रही है श्री श्री वृंदावन धाम में कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। जय पूरा का पूरा वृंदावन चमचमाने टिमटिमाने जगमगाने वाला है। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। बाय बाय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फाइनली बैक इन द स्टूडियो। सो सुबह 2:30 बजे से लेकर 9:30 बज रहे हैं, क्योंकि अगर मैं सोऊंगा नहीं तो बाकी की सेवाएं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अब एक आधे घंटे का पावर नैप लूंगा। मैं आपको ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सभी को आज दिखाऊंगा। A few moments later. हरे कृष्णा, देखिए क्या ताजगी का एहसास होता है जब आप पावर नैप लेते हैं। उसके बाद वादे के मुताबिक मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके जाऊंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और अब मैं आपको ले चलूंगा उस जगह पे। जादू वाला मंत्र मार लेते हैं, वैसे ही जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ा आबरा का डाबरा गीली गीली नहीं सूखी सूखी आबरा का डाबरा सूखी सूखी छू। तो दिल थाम के बैठ जाइए सभी, क्योंकि हम आ गए हैं एक बहुत ही ज्यादा सुंदर। अबे नहीं, अभी जब मैं ऐसे करूंगा तब करूंगा ना, तुम अभी शुरू हो गए। गिली गिली छू। तो हम आ गए एक बहुत ही सुंदर जगह पे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ द ब्यूटीफुल प्लेस, सबसे सुंदर जगह, माधवास फाउंडेशन की गौशाला। शाम ला दे राधे राधे, शाम ला दे टटटट। तो ये है हमारी गौशाला, और ये वो जगह है जो मैं आपको कब से दिखाना चाहता था। कैसी लगी आपको? अच्छी है ना? आप इस वक्त जहाँ पर खड़े हो वो है हमारी गौशाला का गेट, और मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ ये है गौशाला, जहाँ पर बहुत बड़ा शेड बनने वाला है और जिसमें ढेर सारी गैया आकर रहेंगी, और हमें मिलेगा उन सब गैयों का सेवा करने का मौका। हरी बोल गौ मैया की जय। लेकिन मैं आपके पास आता हूँ, अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा और आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे हीरो बनी जा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। वेल, जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं तभी हम उसको सच्चाई में बदल सकते हैं। माधवाज रॉक बैंड ने अगर ये चीज़ माधवाज रॉक बैंड के व्यूअर्स के थ्रू नहीं करवाई तो फिर क्या फ़ायदा माधवाज रॉक बैंड का। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी जो ये फैमिली बनी है, जो कि अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाली है, इस फैमिली के थ्रू ये गौशाला सच में बनाई जाए, इसको हकीकत में बदला जाए, ताकि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो ये बोल सकें कि हम भी एक गौशाला का पालन करते हैं, हम भी गौ सेवा करते हैं, हम भी उन गायों की सेवा करते हैं जो कभी सड़क पर घूमा करती थी, प्लास्टिक खाया करती थी और बहुत सारी पेन झेला करती थी। मगर माधवास फाउंडेशन ने ये गौशाला तैयार करी है जहाँ पर हम गायों की सेवा करते हैं। इस गौशाला के रिगार्डिंग मैंने एक स्टोरी डाली थी। मैंने आप सबसे पूछा था कि अंदाजा लगाइए कि ये गौशाला बनने के लिए कितना बजट लगेगा, क्योंकि हमने ये फरवरी में जो 1 एकड़ की जमीन है इसको हमने माधवास फाउंडेशन के अंडर रजिस्टर करा लिया था। आप सभी ने इसमें बहुत सारा योगदान दिया था जिसकी वजह से ये हो पाया। हमने रिपोर्ट तैयार करने में थोड़ा समय लगाया बिकॉज हमें बेस्ट गौशाला का प्लान चाहिए था। मैंने स्टोरी डाली थी कि अंदाजा लगाइए कि गौशाला का बजट कितना होगा, और मैंने ये भी बोला था आपको सुनकर झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई मुझे तो झटका लग गया, जबरदस्त झटका लगा। तो झटका ऐसा लगा कि मुझे लग रहा था कि गौशाला बन जाएगी, भाई एक बाउंड्री लगानी है, दीवार लगानी है, तो शेड डालने में कितना खर्चा आता है। मैंने जो अंदाजा लगाया था वो ये लगाया था कि 10 से 15 लाख रुपए में गौशाला तैयार हो जाएगी। और कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने मेजर पार्ट ऑफ डोनेशन दिया था इस गौशाला की लैंड को खरीदने के लिए, उनको भी मैंने ये बोल दिया था कि भैया इतना खर्चा आएगा। मगर जब हम रिसर्च करने लगे, हम रिपोर्ट तैयार करने लगे, तो झटके पे झटका लगता रहा, और वो बढ़ते 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 गैस कितना पहुंच गया। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा गैस मारा, और कुछ लोगों ने तो ऐसा गैस मारा कि अगर मेरे पास पानी होता ना लोटा भर के, उस मैसेज के थ्रू फायदा था उनके ऊपर। उन्होंने मेरे से भी कम गैस मारा था, 2 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए में कोई गौशाला बन जाती है, 2 लाख रुपए लगेंगे, हद हो गई। मतलब मैं यार मुझसे भी गए गुजरे हैं। हाँ है भैया, माधवास के ही रॉक बैंड के व्यूअर्स में है, मैं भी तो गया गुजरा ही हूँ। मैंने जैसा 4th जमात वाला गैस मारा था, सस्पेंस फोड़ूंगा तो आपको झटका आपको भी लगेगा। तो बेसिकली गाइस, जब हमने टोटल किया, यहाँ बाउंड्री बनेगी, शेड बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट होगा,
गायों के लिए गोडाउन बनेगा जहाँ पर फूड स्टोर होगा। माधवस की गौशाला के लिए हमें चाहिए 1,30,00,000 रुपये। तो जो हमारे कैमरामैन हैं आकाश, वो भी अपना सिर खुजाने लग गए। हाँ जी, 1,00,00,000 तो यहाँ से वहाँ तक आ जाएगी। एक्चुअली क्या है कि आप ज़मीन खरीद सकते हैं, आप ज़मीन सस्ती पड़ती है, लेकिन जब उस पर कंस्ट्रक्शन होती है तो कंस्ट्रक्शन महंगी होती है। ये मेरे को समझ में नहीं आया था, मेरे से भी एक गुड़ गोबर हो गया था। तो 1,30,00,000 रुपये, मगर मैं ऐसा इंसान हूँ कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब इससे बड़े बड़े मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जब वो होते हैं तो मैं घबराता नहीं हूँ। मतलब कोई बात नहीं, हो जाएगा, इट्स ओके। तो इस बार भी मैंने ये सोचा है कि इट्स ओके, हमने एक प्लान ज़रूर एग्जीक्यूट किया है। सबसे पहले यहाँ पर वो चीज़ करें जिससे बाकी सभी चीज़ें हो जाएंगी, और वो चीज़ क्या है, जितनी जल्दी यहाँ पर गैया आ सके, जितनी जल्दी यहाँ पर वो गैया आ सके जो इन एनी केस इन एनी वेज बाहर घूम रही हैं, परेशान हो रही हैं, यहाँ पर आके पीसफुली रह सकेंगी, उनके लिए इतना अरेंजमेंट कर दिया जाए कि यहाँ पर वो रह सकें, और जो हम रोज़ चारा उनको खिलाते हैं, जो ऑलरेडी चल रही है सेवा, वो हम यहाँ पर आके उनको दें। तो उतना हमारा करने का टारगेट है। हम यहाँ पर इतना अरेंजमेंट करने वाले हैं फ़िलहाल के लिए कि हमारी यहाँ बाउंड्री बन जाए। बाउंड्री बनना बहुत ज़रूरी है, बाहर से इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आएंगे उसके लिए। और यहाँ पर गौशाला का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, गो शेड बन जाए जिसमें गई आराम से बैठ सके। यहाँ शांति देखिए कितनी ज़्यादा है। अगर मैं ऐसे 15 मिनट भी खड़ा रहूँगा तो आपको एक हॉर्न की आवाज़ नहीं आएगी। और वो गैया जो ऑलरेडी कितना कुछ झेल रही हैं, उनके लिए तो अचानक से ये लाइफ शिफ्ट होगा, एक फेज़ ही शिफ्ट हो जाएगा कि ये मैं कहाँ पर आ गई, वाओ दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ए चंपा तुझे कैसी लग रही है, ए मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तो उनकी आपस में बातें तो होती होंगी ना, तो ये सब बातें करेंगे कि वाओ दिस इज़ अ नाइस फेस शिफ्ट। जितना भी है सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा है। तो वो हम करना चाहते हैं, और हमारा टारगेट है विद इन 3 to 4 months इसको करने का। सो एक बार फिर आपसे गुहार है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने भी लोग 1 रुपये से लेके 10,00,000 तक, जो भी लोग आप अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए, और इस गौशाला को जल्द से जल्द बनाने में हमारी हेल्प कीजिए। जब ये गौशाला बन जाएगी, आप लोग जब भी वृंदावन आएँ, यहाँ पर आके अपने हाथों से सेवा करें उन गईयों की जिनकी सेवा इस वक्त कोई नहीं कर पा रहा है, जो सड़कों पे घूम रही हैं। तो जितने माधवास की फैमिली से लोग जुड़े हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप इसमें पार्ट ले सकें। 1 रुपये देकर भी आप पार्ट ले सकते हैं, कितना आसान है। आपको 1 रुपये देना है, एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, भैया मैंने भी इसमें पार्ट दिया, चाहे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपये, 1 रुपये आप भी दे सकते हैं। और वो 1 रुपये देने से आपको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट आएगी इस गौशाला से, और जब भी आप वृंदावन आएंगे तो आप इस जगह पर ज़रूर आकर एक बार देखेंगे गैया कितने चैन से रह रही हैं, और उस दिन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो लेट्स होप कि हम दो चार महीने में इसको कर सकें। स्क्रीन पर सभी नंबर दिए हुए हैं जहाँ पर आप इंक्वायर कर सकते हैं, गौशाला के बारे में बात कर सकते हैं, इसके बारे में आइडियाज़ दे सकते हैं। हमारे सभी नंबर्स मेंशन होंगे इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, जो भी डोनेशन देना चाहता है प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। हमारे पास फाउंडेशन का बैंक अकाउंट है जिसके हम आपको रिसीट देंगे। वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, वी आर इन्वाइटिंग एवरीबडी टू कम एंड जॉइन अस फॉर दिस गौशाला। एक बार घुमा के दिखा दो भाई सब जगह पे, दोबारा से दर्शन कर लो हमारी गौशाला के। तो इस वक्त आप देख रहे हैं सामने गेट है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन वो है, देख लो और बोलो हाँ बहुत अच्छा है। और आसपास पूरी बाउंड्री हुई हुई है, और बाउंड्री के एकदम चारों तरफ हमने ऐसा डिज़ाइन बनाया कि जिसपे जब भी यहाँ पर लोग आएंगे परिक्रमा कर सकेंगे, और बाउंड्री पे पेड़ होंगे, नीम के पेड़ होंगे, शीशम के पेड़ होंगे, सफ़ेदा के पेड़ होंगे जो ठंडी ठंडी छाया देंगे, बबूल के पेड़ होंगे, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और बीच में होगी हमारी गौशाला, यहाँ बड़ा सा शेड होगा जिसमें गैया आराम से बैठी होंगी।